Welcome to everyone. My name is Manazama. Assalamualaikum. और आज जो हम बात करेंगे स्टार्स के बारे में, जॉलिक साइन के बारे में कि लोग कैसे होते हैं, बस जितने भी 12 साइंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, लोग कैसे होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव बातें दोनों करेंगे, तो माइंड नहीं लीजिएगा। हम पांच करेंगे लेकिन हम आज हमने पढ़ा है बहुत, आज इसका भी बात करेंगे, तो हम बताएंगे कि लोग कैसे होते हैं। तो हर इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है, और अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, खामियाँ खामियाँ भी होते हैं, हर स्टार के लोगों में भी होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, वो हम बयान करेंगे, तो आप सुनिएगा और इन्जॉय कीजिए। पर्सन सबसे पहला साइन क्या है? एरीज। इसे उर्दू में कहते हैं हमल, इंग्लिश में एरीज। मैं मत स्टार्ट करेंगे। हाँ, एरीज वाले बहुत डर, बेबाक, बहादुर, ब्रेव और फोफट और थोड़े से बदतमीज भी होते हैं। ये इनकी नेगेटिव वाली बात है। पॉजिटिव ये है कि निडर होते हैं, बहादुर होते हैं और बुरे वक्त में दौड़ चलाते काम करने, हेल्प करने के लिए। ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन उनका गुस्सा इनका वीक पॉइंट है। गुस्सा बहुत बहुत करते हैं, तो इनके लिए अच्छा नहीं, ये इनकी खामी है। ठीक है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, टॉरस सबके खा रखना चाहिए। टॉरस उसके बाद आता है टॉरस, उर्दू में कहते हैं सो, इंग्लिश में टॉरस, उर्दू में सो। टोरियन लोगों के बारे में कहते हैं वो बहुत हुसन परस्त होते हैं, टोरियन लोग, जो कि होना नहीं चाहिए। हर इंसान की इज्जत करना सीखें टोरियन लोग, शक्ल देख के इज्जत नहीं करें और अपने गुस्से को काबू में रखें। ये इनकी खामी है, गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं होती है, हर जगह गुस्सा काम नहीं आता, कुछ जगह आपको खुश अखलाकी दिखानी पड़ती है। तो मैं टोरियन लोग से यही कहूँगी, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए, इनकी खामी रोक के रखिए। गुस्सा बहुत आ जाता, जल्दी आ जाता है और गुस्से में आपसे बाहर हो जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है। और अच्छाई ये है कि ये लोग हर से मिलते हैं और बुरे को साथ देते हैं, इनकी ये खासियत खास हो जाती है। क्वालिटी है, क्वालिटी होती है, अच्छी क्वालिटी। और बुरी बात ये है मन की नेगेटिव के गुस्सा गुस्सा गुस्सा, ये नेगेटिव है, गुस्सा से आपको रोके। और अब बात करेंगे इंग्लिश में कहते हैं जेमिनी, कुछ लोग जेमिनी कहते हैं लेकिन असल वर्ड जेमिनी होता है। मैंने अंग्रेजों के मुँह से जेमिनी सुना, जेमिनी, तो जेमिनी बोलते हैं इंग्लिश में। और उर्दू में कहते हैं बुरजूजा, जूजा, इंग्लिश में जेमिनी, उर्दू में जूजा। अब जेमिनी की बात बताती हैं, मैं सुनिए। उनका निशान है जुड़वा बच्चे, जेमिनी बस मैं ये कहूँगी हर ख्वाहिश पूरी करने वाले, हर चीज़, हाँ हर चीज़ के पीछे भागते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती। जैसे कोई फैशन अच्छा है, हर एक को बस हर एक चीज़ अच्छा सूट नहीं करता, फैशन तो चलो फिर भी चल जाता है, लेकिन जो दूसरी चीज़ होती है वो नहीं चलता, अप्लाई करते हैं तो ये सही नहीं है। हर चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं होती है, वो काम करें जो आपके हक में बेहतर हो और सबके हक में बेहतर हो। नुकसान काम दे रहा हो तो वो काम नहीं करें, चाहे वो कितनी चीज़ अच्छी लगे आपको। मैं बस ये कहूँगी, जिंदा दिल होते हैं, ये अच्छी बात है, हर चीज़ मिलते हैं, खुश अखलाक होते हैं, जबान संजीवी होती है उनकी, लड़ाई झगड़े से बात करते हैं, लड़ाई झगड़े से गुरेज करते हैं, कोशिश करते हैं लड़ाई ना हो, लेकिन जब उनको सर पे कुछ आता है फिर लगा भी देते हैं, ठोकाई भी लगा देते हैं, लड़ाई झगड़े गुरेज करते हैं, अवॉइड करते हैं। हाँ, अवॉइड करते हैं, अच्छी बात है, जबान संभला होता है उनका, मुँह से बुरे अल्फाज नहीं निकलते, हर चीज़ नहीं कर पड़े, हर कोई हर पल मौला नहीं होता है। और सेलिब्रेट होते हैं लोग, हर एक कहना मुख्तलिफ सलाहियत टैलेंट होता है, उसके मुताबिक काम करें। और अब बात करेंगे कैंसर, इंग्लिश में कैंसर करते हैं, उर्दू में सरतान। कैंसर अफराज को मैं यही कहूँगी हद से ज़्यादा सेंसिटिव ना बने, और हर एक के साथ आप खुश अखलाकी दिखाते हैं, उससे लोग आपका नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो कैंसर अफराज से मैं यही कहूँगी कि हर एक से दोस्ती ना करें, मतलब कोई भी रिश्ता, खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता, हर रिश्ते जो होते हैं हर एक को बुरा लगाए, हर इंसान आपके लिए बेहतर नहीं होता। आप काम करें सबके लिए, वो अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा सेंसिटिव होना भी अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग आपको आप अच्छे ना तो आपको नुकसान पहुँचाते हैं अगले बंदे, तो आप उनसे मिलिए जो आपकी इज्जत करे, जो आपको बुरे वक्त में साथ दे, जो आपको बुरा सोच रहा उसके साथ नहीं रखें। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, ऐड करना चाहूँगी, कैंसर लोग वाकई बहुत अच्छे हैं, उनकी नीयत बहुत साफ होती है, कैंसर अच्छे होते हैं तीन, लेकिन ना इनके लोग बुरा करते हैं, बदले में इनको बुरा मिलता है, ये बुराई है कि कैंसर वाला लोग बुरा करते हैं। बेचारे मुखलिस होते हैं, सीधे साधे ईमानदार होते हैं, झूठ नहीं बोलते, कैंसर वालों की क्वालिटी अच्छी क्वालिटी बहुत, तो हासिल होती है। मैं ये कहूँगी कैंसर वाले ज़्यादा सेंसिटिव ना बने, हसास जिसे कहते हैं ना हो, जब आपके लिए मुखलिस ना हो तो आप उनको छोड़ दीजिए, उनके गम में रोए ना, कोई भी रिश्ता अवॉइड करें। कैंसर के बाद
और कैंसर के बाद लियो, लियो इंग्लिश में लियो, उर्दू में असर, जिनका शेर निशान है, अगस्त में पैदा होते हैं ये भी हर काम में चल पड़ते हैं। इनकी अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि ये बुरे वक्तों में साथ देते हैं, बीमार लोगों की मदद कर देते हैं, ये अच्छी क्वालिटी है। लेकिन जो इनके अंदर हसद की बीमारी होती है ना, ये बहुत बुरी चीज़ होती है लियो अफराद के अंदर, खास करके लेडीज के अंदर। हर काम ये भी करने मांगती, लेकिन हर काम आपके लिए सूटेबल नहीं होता। वही काम करे जो आपको सूट करे, जो आपके लिए सूटेबल हो वो काम करें, जो आपके जात के लिए अच्छा वो काम करें। वो दूसरा बंदा कर रहा है ये भी मुझे करना है, ये चीज़ लियो अफराद के साथ और गुस्सा हसद पौधे के अंदर ये चीज़ से अवॉइड करें, सेहत के लिए अच्छी होती है। लेकिन बुरे वक्त में साथ में देखते हैं ये अच्छा ही सारे पौधे दिन के अंदर, ये भी अच्छी बात है। लेडीज और जेंट्स जो लियो वाले होते हैं, उसके बाद कौन सा स्टार है? वर्गो। वर्गो इंग्लिश में और उर्दू में कहते हैं शुमला। ये लोग बहुत नाक गुस्सा चढ़ा रहा है, इनको भी गुस्से से अपना को कंट्रोल करना चाहिए। हर वक्त नुक्ताचीनी अच्छी नहीं होती है, कुछ जगह ज़रूरी होता करें वहाँ पे, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ नुक्ताचीनी नहीं करें। बस जगह आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो गुस्सा कंट्रोल में रखिए और फैमिली में रहिए, दोस्ती करें, देखभाल की दोस्ती करें। हर दोस्त फ्रेंड अच्छे नहीं होते, आपके लिए मुखलिस सिंसियर नहीं होते। जो बुरा वक्त आता है इंसान को अपनी फैमिली ही मदद करती है ज़्यादा, दोस्त तो बहुत ही कम काम आते हैं। अच्छाई तो इनके अंदर ये होती है कि ये लोग रहम दिल होते हैं, लेकिन मुझे नुकता चीज नहीं, हर बंदे हर कोई नहीं बर्दाश्त करता, वो कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करते, कुछ लोग कर जाते हैं बर्दाश्त, कुछ लोग नहीं करते, तो कुछ जगह खामोश रहना पड़ता है। तो ये चीज़ सीखिए बिल्कुल अफरा, तो ये इनकी नेगेटिव बात। तो अच्छाई है कि इंसानी होती है इनके अंदर रहम खाते बस गुस्सा ही, बस बिला वजह जो स्वभाव है ना गुस्सा, तो वो मिलजुल कर रहना चाहिए फैमिली, ये बात अच्छी नहीं होती। और लिब्रा, मैं हूँ लिब्रा, मैंने आप मेरी नेगेटिव बातें बताएंगी, बताओ आपको अच्छा ही पढ़ाओगी। नहीं, लिब्रा के सब बातें अच्छी है, बात जगह जो अपने अड़ जाते ना कुछ चीज़ें सही बात में अड़ जाए सही, वो बात सही है। और जो बुरी होती है उसमें नहीं अड़ना चाहिए, क्योंकि उसका अपने ही नुकसान होता है, किसी का नहीं होता। तो बस अपनी बातों में ना अड़ा करें, कोशिश करें जो अच्छा है वो काम करें, वरना लिब्रा लोग सही होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अच्छे फसाद नहीं फैलाते, लिब्रा वाले रहमदिल होते हैं, काम कर देते हैं, ये अच्छा क्वालिटी है, इंसानियत है, जो काम करते हैं और बुरे वक्तों में पोटी शोटी भी धुला देती है, मजदूर लोगों की खिदमत करते हैं, ये बात अच्छी है कि दूसरों की हेल्प करते हैं और दूसरों के बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं, और अच्छा नहीं करे तो कम से कम बुरा भी नहीं करेगा, ये लिब्रा की क्वालिटी है। हमें ये क्या है, लिब्रा अफराद को भी धोखा मिलता है, सर फ्री हो नहीं, तरीके भी नहीं होते। और इसके बाद कौन सा लिब्रा के बाद? लिब्रा आपको इंग्लिश में लिब्रा कहते हैं और उर्दू में मीज़ान, बुर्ज मीज़ान। अब लिब्रा के बाद आता है स्कॉर्पियो अकरब। स्कॉर्पियो की सारी बातें अच्छी है, लेकिन जो हसद पालते हैं ना, दुश्मनी करते हैं, वो चीज़ गलत है। और क्या करते हैं? हर काम करते हैं, हर काम जरूरी नहीं होता, फैशन हर चीज़ आपने करना भाई, क्यों करते हैं वो खवातीन और जेंट्स, आप मर्जी सूट नहीं करता। मैं ये कहती हूँ कि वो काम करें जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके लिए आसानी पैदा करे, मुश्किल काम जो आपको सूट ना करे, आपको नुकसान पहुंच रहा है या दूसरों को भी नुकसान पहुंच रहा है, ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि दूसरों को भी नुकसान ना पहुंचे और अपने आपको भी नुकसान ना पहुंचे, वो काम नहीं करे। मैं स्कॉर्पियो से अकरब से ये कहूँगी कि वो काम ना करें जो आपको दूसरों को नुकसान दे, इस चीज़ से अवॉइड करें, ये अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। पॉलिटिक्स बंद करें अपनी, सूटेबल नहीं होती, ठीक है। और स्कॉर्पियो के बाद आता है सेजिटेरियस, यानी घोड़े वाला, उर्दू में कॉस, घोड़े जिसका आधा घोड़ा इंसान। सेजिटेरियस की सारी बात अच्छे, सिर्फ इनको अपना गुस्से में कंट्रोल करना चाहिए, मतलब बहुत दिल के सच्चे, दिल के सच्चे ईमानदार, जो काम भी अच्छे करते हैं। हाँ, इनके अंदर मुनाफिकत नहीं है, जो सच होता है। हमारे बड़े भाई हमारे फादर, ये मुझे बहुत अफसोस होता है हमारे फादर के अंदर भी, वो बस कुछ अब ये दुनिया में नहीं रहे, तो हमें दुख होता है, बहुत ईमानदार सच्चे और दूसरों की परेशानी दौड़ने वाले, बस इनको गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा में कंट्रोल करना चाहिए, ये इनकी बुराई है, बाकी बातें इनकी अच्छी होती है। वैसे ही अच्छे होते हैं बहुत, बस इनको गुस्सा में कंट्रोल करना चाहिए, ये इनकी नेगेटिव होती है। ये लोग झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, चीट नहीं करते, जो होता है सच बोल देते हैं, पसंद नापसंद सच मुँह में बोल, जो मुँह में कह देते वो लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, जो मुंह में मुस्कुराहट से जाए बैठते हैं, चाले चलते रहते हैं, वो बहुत खतरनाक इंसान होते हैं, तो ऐसे इंसानों से अवॉइड करें। अब इसके बाद नेक्स्ट अब आता है कैप्रिकॉर्न, उर्दू में कहते हैं इसको जद्दी। ये लोग बहुत क्या बोलूं, इनको ज़रा अपने अंदर से खबासत दूर करनी चाहिए, ये सिर्फ अपनी हुक्मरानी चाहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता,
कैप्रिकॉन जिद्दी जो होते हैं अपनी चलाते हैं, ये चीज जिद्दी होते हैं, ये चीज गलत है। जिस तरह जिद्दी अफराद को दिल चाहता है अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो दूसरों को भी इंसान समझे, दूसरों को भी खुशियों के एहतराम करें, दूसरों को भी मौका दें, खाली अपनी ना चलाया करें। कैप्रिकॉन जिद्दी के अंदर ये बुराई है कि ये अपनी चलाते हैं और गलत करते हैं दूसरों के साथ, और मुँह में झूठ बोलते हैं। मुँह में इनके कुछ और होते हैं, दिल में कुछ और होते हैं। तो मुनाफिका मैंने कैप्रिकॉन को भुगता है, इसलिए मैं बता रही हूँ, और मैंने पढ़ा ही बहुत है और देखा भी है, ठीक है। तो कैप्रिकॉन को अपने अंदर से हसद निकालना चाहिए। हसद बहुत होते हैं कैप्रिकॉन, जलते बहुत हैं दूसरों से, तो कैप्रिकॉन को हसद से अपने आप को बचाए। ये इनकी नेगेटिव है चीज़ है, ये सिर्फ अपनी हुक्मरान चाहती है, ये चीज़ गलत है। हर इंसान को मौका देना चाहिए, अल्लाह ने हर इंसान को बराबर बनाया है, तो इनको मैं यही कहूँगी कि हर इंसान को इज्जत देना सीखे और हर इंसान बराबर है। और इनकी अच्छाई अच्छाई यही होती है कि ये खुश हो जाते हैं, हर एक के साथ खुश हो जाते हैं, मेहनत से काम करते हैं, मेहनती होते हैं। ये अच्छाई है इनकी, एजुकेशन में इतने अच्छे नहीं होते ये लोग, हर डिफरेंट। हाँ मतलब ये बस सिलाई कढ़ाई जो लेडीज होती है इन चीज़ों में अच्छी होती है, पढ़ाई में इनको मेहनत करनी चाहिए, एजुकेशन में अच्छे नहीं होते, इतने खास नहीं होते, मतलब नॉर्मल पढ़ाई होती है इनकी। मैंने जितने भी कैप्रिकॉन को देखा है पढ़ाई में मेरा वास्ता पढ़ा ना, इसलिए मैं कह रही हूं तो वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते, इनको पढ़ाई में तवज्जो देना चाहिए, एजुकेशन में अच्छे नहीं होते। और हसद निकालें अपने अंदर से कैप्रिकॉन, और अच्छा ये है कि काम करते हैं, बस मैंने ऐसा करते काम। फैशन में लेडीज बहुत आगे होती है, मैं ये कहूँगी फैशन में अच्छी होती है, और दूसरों की नकल भी बहुत अच्छी करती है। मेरी तो बहुत नकल करती है कैप्रिकॉन खवातीन, मेरा नकल बहुत लगी, जो मैं करती हूँ वो करती है। और नेक्स्ट, लेकिन हर चीज़ आपके लिए छीन नहीं होती, तो मैं इनसे भी ये कहूँगी वो फैशन करे जो आप पर सूट करे। मुझे देख लिया या किसी और को देख लिया वो फैशन अपना लिया, वो चीज़ ना करें, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता हर एक पर। मैं तो वही करती जो मेरे पर सूट करे, हर फैशन मुझे नहीं करती, मैं नहीं करती जो सूट ना करे मैं क्यों करूँ। और कैप्रिकॉन के बाद हम लोग वो नहीं है पामेस, लेकिन हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, हम देखते हैं पढ़ते हैं इसे हम बता रहे हैं, एंजॉय कीजिएगा सितारों की दुनिया, ये हमारा वीडियो सितारों की दुनिया। अब कैप्रिकॉन के बाद आता है एक्यूरियस, और उर्दू में कहते हैं दलो। ये लोग वैसे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन जरा रोमांटिक दिल फेंक होते हैं, और चाले पो चलते हैं, जेंट्स नहीं लेडीज चलती, मुंह पे मीठा मीठा करते हैं, मुंह में मीठा मीठा सब कर रहा है, पता नहीं चलेगा। एक्यूरियस खवातीन, और मैंने इनको जादू टोना भी करते हुए देखा है, लेडीज को जादू टोने से गुरेज करना चाहिए, जादू टोना अल्लाह को पसंद नहीं है, और मुसलमान होकर जो लोग जादू टोना करते हैं वो इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, यानी काफिर बन जाते हैं। हमने जो भुगता है जिन लोगों के साथ, इसलिए हम बता रहे हैं शेयर कर रहे हैं, हर एक तो हर कोई अपने मिजाज का माहौल बना, लेकिन मैंने ज्यादातर इससे आप ये मतलब ना निकाले कि हम या हम आपको नहीं कह रहे, हमने जो अपनी लाइफ में एक्यूरियस लोगों को देखा ना, एक्यूरियस खवातीन को, तो हम इसलिए बता रहे हैं, हम पामिस्ट तो है नहीं, लेकिन हमने जो देखा है भुगता भी है मिजाज, तो हम वो बता रहे हैं जो हमने देखा है ना, जो हमारे मोहल्ले में रहती थी खातून, वो उनका स्टार एक्यूरियस था, वो जादू टोना बहुत करती थी, तो मैं इनसे ये कहूँगी जादू टोने से अवॉइड करें, इस्लाम से खारिज हो जाता है, काफिर बन जाता है, आप जन्नत में नहीं जा सकेंगे, आप दोज़ख में फेंक दिए जाएंगे, इसलिए इनको कहूँगी जादू टोने से गुरेज कीजिए, और भड़काने वाला काम भी कम किया करें, ये अच्छी चीज़ नहीं होती, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, और ये गुनाह है सबसे ज़्यादा, इसी में पकड़ूंगी। जो एक्ट्रेस खातून को हमने भुगता है हमने वो शेयर किया आपसे, जो कैप्रिकॉन का मेहनत से भुगता है एक्ट्रेस को भुगता वो हमने शेयर किया, ठीक है। हर कोई अपने मिजाज पता, तो ये और कुछ बात नहीं, और कुछ तरबियत भी होती है, माँ बाप अच्छे होंगे तो जाहिर है औलाद भी अच्छी होगी, और अगर माँ बाप बिगड़े हुए होंगे तो औलाद भी बिगड़ी होगी, ठीक है। और अच्छाई क्या एक्ट्रेस के अंदर, एक्ट्रेस जेंट्स की अच्छी बात है कि बुरे वक्त में आपके साथ देते हैं, इंसानियत होती है। हाँ एक्ट्रेस के अंदर है दूसरों की हेल्प करते हैं, चाहे वो पैसे से मदद हो, खवातीन हो चाहे जेंट्स हो, लोग हेल्प जरूर करते हैं पैसों से, ये अच्छी क्वालिटी है इनकी, ये अच्छी बात है, मदद करते हैं बुरे वक्तों में, सुन लेते हैं आपकी परेशानी, ये अच्छी बात है एक्यूरियस दलों की। अब बात करेंगे पाइसेस, होत इंग्लिश में पाइसेस, उर्दू में होत। पाइसेस लोग भी सेंसिटिव बहुत होते हैं और हर काम पे चल पड़ते हैं। मैं फिर वही बात कहूँगी, वो काम करें जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके लिए अच्छा ही पैदा करे और दूसरों के लिए भी अच्छा हो, दूसरों को भी सोचना चाहिए, और वही काम करें जो आपको सूट करे वो कीजिए, और हर एक के पीछे मत चल पड़िए, हर इंसान बातें बहुत अच्छी करते हैं, बातें बहुत अच्छी करते अच्छे करते हैं, और हेल्थ भी बहुत अच्छी करते हैं। हाँ जब इंसान बीमार होता है ना पैसे सफरात भाग जाते हैं, ये मैंने देखा है पैसे सफरात जो हमारे साथ हुआ,
लेकिन पैसेस लोग दूसरों की मदद करते हैं, इंसानी दूसरों की हेल्प करते हैं, पैसों से भी करते हैं और दूसरी चीज़ों से भी हेल्प करते हैं। ये बात अच्छी है पैसेस की, लेकिन जो छोड़ के भाग जाना ना बीच रास्ते से, ये नेगेटिव चीज़ है, ये अच्छी बात नहीं होती। आप जब काम करें तो करें और दूसरों की हेल्प करें, चाहे आपका दिल चाहे ना चाहे, आप ज़रूर हेल्प करें। एक तो माजूर अफराद के और जो नीडी पीपल्स हैं, चाहे इंसान हो जानवर, सबके सब स्टार को मैं कह रही हूँ इस चीज़ में ज़रूर मदद करना चाहिए सब स्टार्स के लोगों को। जो नीडी पीपल्स हैं, जो माजूर अफराद हैं, इनकी ज़रूर हेल्प कीजिए, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर। अब मैं भी कुछ कहूँ, हाँ और ये हमने किसी के लिए कोई स्पेशली नहीं कहा कि हमने सिर्फ तस्वीर तौर पे एक हमने जिंदगी को फेस किया और हमने बुक्स रीडिंग की और एक्सपीरियंस हमने आपसे शेयर किया जो हमने बुक का जिन स्टार के लोगों से वो हमने शेयर किया। हम किसी को नहीं कर रहे, हमने सिर्फ एक वीडियो बनाई है जस्ट। आखिर में मैं वही बात कहूँ सब स्टार्स के लोगों को भी, खुद गर्जी जो सेल्फिशनेस होती है, सेल्फिश ना बने, खुद गर्जी से अपने आप को बचाइए। हर इंसान की मदद कीजिए, हर जानवर की मदद कीजिए, सब स्टार्स के लोगों के लिए हेल्प जरूर करना सीखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी बात बुरी कभी मत सोचना। हमने जो फेस किया ना, हमने वो शेयर किया जो खवातीन लेडीज को, तो वो खवातीन लेडीज जो क्या बोल डबल जेंट्स और लेडीज को जो हमने वीडियो में हो जाता है, हां वीडियो में ज्यादा उल्टे से अल्फाज निकलते हैं, जिसके लिए माजरात। मतलब आपको जिंदगी टकरते हैं, जॉब करेगा ये आपको लोग टकरते हैं बुरे बुरे, तो वो शेयर किया हमने। और ज़्यादा बातचीत होते स्टार भी पता होता है तो वो शेयर करें। हमने जिनको बुकता फेस किया हमने वही शेयर किया आप लोगों से, अगर पामिस नहीं है तो बाकी दूसरे स्टार्स के लोग माइंड मत कीजिएगा। हमने जो फेस किया हमने वो बताया आपको, कितने लिबरा होंगे, कितने कैंसर होंगे, कोई पॉजिटिव बातें कोई नेगेटिव बातें हर इंसान के अंदर होती है। इंसान है, फरिश्ता नहीं है, तो ये अल्लाह ने बनाया है स्टार। लेकिन हर इंसान अपने अंदर से बुराइयाँ निकाल सकता है, जिस तरह हमने भी निकाली अपनी बुराइयाँ, आप लोग भी निकाल दीजिए। क्योंकि हमें मर के लगभग जाना है ताकि वहाँ शर्मिंदगी ना हो, आज़ाद होकर बच्चे महफूज रह जा सके। तो अपने अंदर से बुराइयाँ सारे स्टार्स को कह दें और सब बुराइयाँ निकाल दीजिए। अभी वक्त है जिंदगी, निकाल दीजिए सब बुराइयाँ जाते जाते, हमारे हसर ताब कर दीजिए, फिर बुराइयाँ खुद ही दूर हो जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब मास्क। और बताइए कैसे लगा ये हमारा सितारों की दुनिया, सितारों की दुनिया। टाटा बाय बाय, अल्लाह ने के बांगे, अल्लाह हम सबको महफूज़ ज़मान में रखे।